संध्या, मैं हूँ श्रुति। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कविता का नाम है नटकछुआ और रेस्टार्ट। बच्चा एक था नटकछुआ, वो बहुत नटखट और बड़ा ही चालाक था। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हिम्मत मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल से सोचा, आज मैं शहर जाऊंगी। बारिश के कारण से पेड़ से बाहर निकल बहुत ही बीत गए हैं। घर में बैठ दिल घबरा गया है। नटकछुआ ने झटपट तैयार हो गया, शहर से निकाला पड़ा। वह मस्ती से रहता ही इसने हुआ चला जा रही है कि रास्ता में एक कपड़े की दुकान दिखाया गया। दुकानदार ने अपनी दुकान खोलकर अंदर जाती ही कि नटकछुआ जैसे ही नटकछुआ भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार बसा अपने जगह पर बैठा, उसने नजर आया पर उसने चूहा के पर एक पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान पर क्या कर रही है, चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़े खरीदना आया हूँ। मैं दुकानदार ने हंसा, हाँ चल यहाँ। मैं चूहे को कुछ नहीं बचाने, चूहे गुस्सा। मैं बोला, तुम मुझे कपड़े दियो या नहीं बचाओ। दुकानदार ने बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरी समय बर्बाद न कर।